हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आज हम आपके लिए ले गए हैं क्लास सिक्स का चैप्टर गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इंट्रोडक्शन। द गार्बेज, द टर्म गार्बेज मीन्स द वेस्ट प्रोडक्ट। दिस मीन्स द प्रोडक्ट विच इज़ नो लॉन्गर ऑफ एनी यूज। बेटा गार्बेज वो चीज़ होती है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं जो हम अपने घरों से निकालते हैं, जिनका लंबे टाइम तक यूज़ नहीं हो पाता, जो चीज़ें डैमेज हो जाती है हम उसे थ्रो कर देते हैं और वो बाद में यूज़ नहीं हो पाती, उन्हें हम कहते हैं गार्बेज। वी ऑल कलेक्ट द गार्बेज इन अवर होम्स इन डस्टबिन्स। हम गार्बेज को किस में कलेक्ट करते हैं, घरों में डस्टबिन्स में कलेक्ट करते हैं। इन डस्टबिन वी कीप ऑल टाइप ऑफ द गार्बेज टुगेदर लाइक टी लीव्स, डाइपर्स, ड्राई लीव्स, मिल्क, पॉलीथीन, फूड वेस्ट एक्सेट्रा। हम घर में क्या करते हैं, जितने भी गार्बेज है सारे को कलेक्टिवली डाल देते हैं, चाहे वो आपका बायोडिग्रेडेबल है, चाहे वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो भी है हम सारे को इकट्ठा डाल देते हैं। बट इन दिस कलेक्शन ऑफ द गार्बेज देर इज़ अ सम पार्ट ऑफ द वेस्ट विच कैन बी रीयूज्ड, सो वी हैव टू बी सेग्रीगेट द वेस्ट। हम इसमें जानते हैं इस कलेक्शन में कुछ पार्ट बेटा ऐसा होता है जिसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, सो इसलिए हमें उसे सेग्रीगेट करने की जरूरत है। सेग्रीगेट मीन्स उसे सेपरेट पार्टीशन करने की जरूरत है। जो बायोडिग्रेडेबल उसको अलग डस्टबिन में, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग डस्टबिन में। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द हाउ टू बी टैकल दिस गार्बेज सो दैट इट विल नॉट हार्म आवर एनवायरमेंट। इफ इट हार्म आवर एनवायरमेंट इट विल डायरेक्टली इफेक्ट अस। तो बेटा इस चैप्टर में हम जानने वाले हैं कि जो गार्बेज उसको कैसे टैकल करें, बायोडिग्रेडेबल को कैसे अलग करें, रीयूजेबल को अलग कैसे करें, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स को कैसे यूज़ करें। और अगर ऐसा होगा, अगर हम सारा मिक्स डालेंगे, टैकल नहीं करेंगे, तो अगर वो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुँचाता तो इन्वायरमेंट से डायरेक्टली हमें इफेक्ट पड़ेगा। सी दिस इज अ गार्बेज इज लिटरिंग ऑन द साइड ऑफ रोड। नेक्स्ट इज सोर्सेज ऑफ गार्बेज। अब देखिए बेटा गार्बेज किस टाइप का होगा। फर्स्ट है डोमेस्टिक वेस्ट। द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ आर कॉल्ड डोमेस्टिक वेस्ट। वो वेस्ट जो डोमेस्टिक एक्टिविटी से जनरेट हो, फॉर एग्जाम्पल किचन वेस्ट, सीवरेज, अननेसेसरी थिंग्स। अब यहाँ देखिए बच्चों क्या है, डोमेस्टिक एक्टिविटी यानी घरेलू एक्टिविटी से। किचन वेस्ट, किचन में क्या आपकी चाय पत्ती है और बर्तनों का साफ पान, बर्तन साफ करने के बाद में सीवेज का वाटर है, उसके बाद में सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा सीवरेज, वो वॉशरूम और टॉयलेट से हमारा निकलने वाला सीवरेज, अननेसेसरी थिंग्स वी आर थ्रोन आफ्टर यूजिंग दैम। हमारी बहुत सारी चीज़ें घरों में होती है जो यूज़ करने के बाद हम उसे थ्रो कर देते हैं। दीज आर पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वेस्ट। सी इन अ पिक्चर, डाइपर्स, बॉक्सेस, पॉलीथीन्स एंड फूड पार्टिकल्स एक्सेट्रा आर द डोमेस्टिक वेस्ट विच आर कम्स फ्रॉम द डोमेस्टिक पर्पज। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट। द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब बेटा इसमें देखिए इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो गंदगी है उसे हम कहते हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एशेज, कोल, पेपर, रबर वेस्ट एक्सेट्रा। अब आप यहाँ देखोगे एशेज जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री से निकलने वाली राख है, कोयला है, पेपर है, रबर या कुछ भी जो पोल्यूटेड और केमिकली वाटर है वो भी नदियों में डाल दिया जाता है। दिस कैन हार्म आवर इन्वायरमेंट। दिस इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट। सी इन अ पिक्चर देयर आर नंबर ऑफ काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट आर यू सीन, केमिकल्स, बॉक्सेस एंड अदर थिंग्स एंड द केमिकल वाटर। नेक्स्ट इज कम्युनिटी वेस्ट। द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम स्कूल्स, स्ट्रीट्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिसेज, शॉप्स, बिल्डिंग्स, मटेरियल्स एंड सोसाइटीज़ आर कॉल्ड कम्युनिटी वेस्ट। बच्चों इसमें देखिए क्या आपका कम्युनिटी वेस्ट में क्या है, स्कूलों से निकलने वाला, गलियों से, हॉस्पिटल से, ऑफिसेज जो मतलब कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं उनसे निकलने वाला वेस्ट, और जो मैन्युफैक्चरिंग बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन लगी थी उनसे निकलने वाला वेस्ट, कोई कंक्रीट है, टूटे फूटे पत्थर, ईंटें वगैरह, ये सारा हमारा कम्युनिटी वेस्ट का पार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्ट लिटरेटेड फ्राम हॉस्पिटल्स लाइक सिरेंजेस, बोटल्स एक्सेट्रा, इंजेक्शंस, फ्राम द ऑफिस लाइक पेपर, फाइल्स एक्सेट्रा वेस्ट एंड शॉप्स। शॉप से आपको डिफरेंट टाइप का वेस्ट आपका मिलता है। देखिए ये हमारा जो कलेक्टिवली सोसाइटी से या गलियों से, ऑफिस से जो वेस्ट आता है वो हमारा क्या होता है, कम्युनिटी वेस्ट होता है। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल वेस्ट। द वेस्ट जनरेटेड इन द फार्म्स एंड लाइव स्टॉक इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल वेस्ट। अब देखिए खेतों से निकलने वाली जो वेस्ट है, गली सड़ी फसलें, सब्जियां, और उसके अलावा लाइव स्टॉक, लाइव स्टॉक यानी कि पशुओं से निकलने वाला वेस्ट लाइक हस्क यानी भूसा, स्ट्रोज, फाइबर्स, काउ डंग यानी गोबर वगैरह, ये सारा क्या होता है आपका एग्रीकल्चरल वेस्ट का पार्ट होता है। सीन अ पिक्चर, आप देख सकते हो ये सड़ी हुई सब्जियाँ जो मंडी से आई एग्रीकल्चर वेस्ट है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। द वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस एंड देयर कॉम्पोनेंट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। वो वेस्ट जो जनरेट हो रहा है डैमेज्ड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस से, कोई चीज़ हमारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस, टीवी, मोबाइल एक्सेट्रा, वो जब डैमेज हो गए तो हम उसे थ्रो कर देते हैं। ब्रोकन कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एक्सेट्रा। अब यहाँ देखोगे ये सारी क्या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट हैं, इन्हें कबाड़ में फेंक दिया जाता है। दे आर द इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, दे आर सो कैन पोल्यूट द वाटर एनवायरमेंट। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ वेस्ट।
वी हैव द क्लासिफाइड द वेस्ट इनटू टू कैटेगरीज, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। अब देखिए बच्चों, बायोडिग्रेडेबल का जो मीन है वो क्या है, जो डीकम्पोज हो जाते हैं, नेचर में मिक्स हो जाते हैं। नेचर मीन्स ग्रीन, नेचर मीन्स ग्रीन। तो हमें जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसे हमें इसमें डालना चाहिए, ठीक है, और नॉन बायोडिग्रेडेबल को इसमें डालना चाहिए। अलग अलग बॉक्सेस हैं। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मीन्स यूजफुल वेस्ट, दिस इज वेस्ट दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। बेटा बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होगा जो आपका रीयूज हो सकता है और रीसाइकल होगा, रीयूज्ड एंड रीसाइकल्ड अगेन एंड अगेन। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ द यूजफुल पार्ट्स ऑफ द वेस्ट लाइक पील्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेस्ट, फूड पेपर वेस्ट, ड्राई लीव्स, टी लीव्स, डेड प्लांट्स एक्सेट्रा। बेटा वो वेस्ट जो डीकम्पोज हो जाए, थोड़े दिनों बाद में वो गलने सड़ने के बाद में मिट्टी में मिल जाता है या गायब हो जाता है, वहाँ से मिट्टी का ही पार्ट बन जाता है, नेचर का पार्ट दोबारा बन जाता है, वो हमारे होते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कैन बी यूज इन सेवरल वेज। फर्स्ट इज लाइक द वेन टी लीव्स वेस्ट डायरेक्टली इन टू द प्लांट्स, टी लीव वेस्ट जो होते हैं उसे डायरेक्ट प्लांट्स में डाल सकते हैं, दैट इज अ वर्क एज अ न्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स, एक मेन्यूर की तरह काम करेंगे। पेपर वेस्ट कैन बी रीयूज्ड इन द आर्ट एंड क्राफ्ट, जो हमारा वेस्ट पेपर हम उसे आर्ट एंड क्राफ्ट या कोई नोटबुक्स को कवर करना, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट कैन बी यूज एज अ मेन्यूर टू प्लांट्स, जो फ्रूट और वेजिटेबल वेस्ट है वो मेन्यूर में काम आता है, यानी खाद बनाने में काम आता है। लेट अस सी एग्जांपल, पेंसिल वेस्ट, पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ड्राई लीव्स एंड योर डैमेज्ड स्पॉइल्ड फूड। नेक्स्ट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज नॉन यूजफुल वेस्ट, इसे दोबारा हम यूज नहीं करते हैं, दिस इज अ वेस्ट दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कंसिस्ट ऑफ द नॉन यूजफुल पार्ट्स ऑफ वेस्ट लाइक पॉलीथीन बैग्स, ब्रोकन टॉयज, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम फॉइल पेपर, पीसेस ऑफ क्लॉथ एक्सेट्रा। ये सारी हमारे पास क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल, जिन्हें हम दोबारा रीयूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास, प्लास्टिक इज द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूजफुल वेस्ट, वी कैन यूज द वन प्लास्टिक बोटल सेवरल टाइम्स बट नॉट एवरी टाइम। हम कुछ टाइम के लिए तो प्लास्टिक बोटल को यूज कर सकते हैं बट नॉट फॉर द लॉन्ग टाइम। ऑल द प्लास्टिक वेस्ट कैन बी रीयूज, कैन नॉट बी रीयूज, सारे प्लास्टिक वेस्ट रीयूज नहीं हो सकते हैं। लेट अस सी एग्जाम्पल, ब्रोकन ग्लास, पॉली बैग्स, ब्रोकन टॉयज एंड एल्यूमिनियम फॉइल, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। क्लियर, इट इज़ एडवाइजेबल टू कलेक्ट द बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट सेपरेटली। तो ये एडवाइस दी जाती है कि बायोडिग्रेडेबल को अलग सेपरेट किया जाए, सेग्रीगेट किया जाए, नॉन बायोडिग्रेडेबल को अलग से सेग्रीगेट किया जाए, ताकि दोनों को अलग अलग करने के बाद में रीयूज और रिसाइकल किया जा सके। नेक्स्ट इज बेटा कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग इज द प्रोसेस टू यूज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बाय कन्वर्टिंग इन टू द मेन्योर। कंपोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को खाद बनाने में काम लेते हैं। दिस वेस्ट कंटेन द सम न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स विच रिटर्न बैक इन टू द सोइल। अब देखिए गले सले छिलके वगैरह हम उन्हें क्या करेंगे, बॉक्स में डालेंगे और उसमें फिर मिट्टी डाल देंगे, फिर उसके ऊपर वैसे मिट्टी की लेयर चढ़ाकर हम इसे खाद में कन्वर्ट कर लेंगे। मेन्योर हेल्प्स टू द प्लांट टू ग्रो बाय इंक्रीजिंग सोइल फर्टिलिटी। लेट अस डिस्कस द प्रोसेस ऑफ कंपोस्टिंग बाय स्टेप बाय स्टेप। कंपोस्ट कैसे बनाएं उसका स्टेप देखिए, प्रोसीजर। टेक अ बिग कंटेनर, एक बड़ा बर्तन लेंगे, पुट ऑल द एनिमल वेस्ट, फूड वेस्ट, ड्राई वुड चिप्स, ड्राई लीव्स एक्सेट्रा इन द कंटेनर। अवॉइड द मीट, फिश एंड डेयरी प्रोडक्ट्स एज दे अट्रैक्ट द एनिमल्स एंड वर्क फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्स इंटरप्टेड। देखिए हम क्या करेंगे, मीट वगैरह ऐसी चीज़ें नहीं डालेंगे जिससे कोई दूसरे पशु वगैरह उसको आकर खा ना जाए, ठीक है, वो इंटरप्ट ना करे, इसलिए हम ऐसी चीज़ें डालेंगे जो पशु ना खाते। नॉन नाउ मिक्स द इंग्रीडियंट्स प्रॉपरली, इंग्रीडियंट को प्रॉपरली मिक्स कर देंगे मिट्टी के अंदर। एड सम वाटर टू द वेस्ट इन ऑर्डर टू क्रिएट सम मॉइस्चर, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। नाउ कवर इट विद द सोइल, फिर मिट्टी से उसे ढक देंगे। देन टेक केयर इट फॉर द कंपोस्ट पाइल, अब इस कंपोस्ट पाइल का हम ध्यान रखेंगे। रिमेंबर द कीपिंग द मिक्स, एडिंग द इंग्रीडियंट्स इन रेगुलर इंटरवल, डेली उसे थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे। आफ्टर सम डेज यू विल नोटिस दैट द डार्क सोइल दैट स्मेल्स लाइक अर्थ इज यू फील फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मेन्योर। हम कुछ दिनों बाद में देखेंगे कि वो सारा पार्ट जो था, पील्स वगैरह सारी चीज़ें जो हमने डाली थी, वो सारा मिट्टी में मिल गया है और मिट्टी का ही पार्ट बन गया है और एक अच्छी स्मेल आ रही है मिट्टी की। नाउ यू विल मिक्स द सोइल वेयर यू सोट द प्लांट्स, हम उस खाद को यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमने करना है। देखिए अपने ऊपर वो सब्जियों के छिलके डाले थे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेन्योर अपनी आपकी जो है कंपोस्ट तैयार है। द प्रोसेस ऑफ रोटिंग ऑफ कन्वर्जन ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इनटू मेन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, ये होगी आपकी कंपोस्टिंग की डेफिनेशन। यानी जितने भी गली सड़ी चीज़ें रोटन करके यानी मिक्स कर देना सोइल के अंदर, वो आपका है कंपोस्टिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज वर्मी कंपोस्टिंग। वर्मी कंपोस्टिंग इज अ प्रोसेस वेयर द डीकम्पोजिशन ऑफ द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डन बाय यूजिंग अर्थवर्म्स। अब यहाँ देखिए बच्चों, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, जो पील्स वगैरह थे, उनको
अर्थवर्म्स की हेल्प से डीकम्पोज करना, वो है हमारी वर्मी कंपोस्टिंग। दिस टाइप ऑफ कंपोस्टिंग इज डन बाय द वर्म्स, सो वी क्रिएट द एनवायरनमेंट इन विच इट इज स्टेबल फॉर द अर्थवर्म्स फॉर सर्वाइवल। तो हम ऐसे एनवायरनमेंट देंगे जहाँ से अर्थवर्म सर्वाइव कर सकें। लेट अस डिस्कस हाउ टू मेक इट। टेक अ बिग कंटेनर सिमिलरली इन वे लाइक एज अ कंपोस्ट, मेक श्योर द टेम्परेचर कंटेनर शुड बी मॉडरेट। उसका टेम्परेचर मॉडरेट का मतलब चेंज होते रहना चाहिए। एड अ लेयर ऑफ द सैंड इन द ऑर्डर टू क्रिएट द होम फॉर अर्थवर्म्स। ठीक है, मिट्टी डालेंगे, उसके बाद में हम डालेंगे लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, पानी डालेंगे, क्रिएट सम मॉइस्चर, देन एड द वेजिटेबल पेस्ट एक्सेट्रा इन टू इट। अवॉइड द एडिंग सॉल्ट, ऑयल, पीकल, मिल्क प्रोडक्ट्स, ऐसी चीज़ें नहीं डालेंगे जो अर्थवर्म को नुकसान दें। नाउ एड द सम अर्थवर्म, कुछ अर्थवर्म को उसमें ऐड कर देंगे। नाउ कीप एडिंग द मिक्सिंग द इंग्रेडिएंट्स एट द रेगुलर इंटरवल्स। ठीक है, और मिक्स करते रहेंगे उसी तरह से इंग्रेडिएंट को। नाउ यू विल नोटिस दैट अ मंथ अर्थवर्म विल बी डबल्ड। अर्थवर्म क्या हो गए, डबल हो गए, बड़े हो गए। देन द प्लेस सम वेजिटेबल वेस्ट इज कॉर्नर पिट एज अ रिजल्ट ऑफ द एंटायर अर्थवर्म विल सॉफ्ट द वेजिटेबल वेस्ट। जो वेजिटेबल वेस्ट था उसे अर्थवर्म ने क्या कर दिया, एक सॉफ्ट मिट्टी में कन्वर्ट कर दिया। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वैकेनेटेड कॉर्नर, वहाँ से उस जगह से हम उस मिट्टी को उठाएंगे और यूज़ कर लेंगे, वो हमारी वर्मी कंपोस्ट है। नेक्स्ट टर्म इज लैंडफिल्स। अब देखिए बच्चों, जो सॉलिड वेस्ट है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसे क्या किया जाता है, बड़े बड़े गड्ढों में भरा जाता है और उसके बाद में उसे मिट्टी से ढक दिया जाता है, उसे हम कहते हैं लैंडफिल्स। ठीक है, लैंडफिल्स आर मेड बाय द हैंडल टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। स्वीपर कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम हाउसेज, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट एंड गार्बेज एंड थ्रोन इन टू द लो लेइंग ओपन एरिया इज कॉल्ड लैंडफिल्स। बड़ी खुली जगह में डाल दिया जाता है। लैंडफिल इज द ओपन एरिया बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ द ग्राउंड डिस्पोज द गार्बेज। यहाँ पे गार्बेज को डिस्पोज किया जाता है। इट इज़ बिल्ट इन अ सच अ वे दैट द इट शुड नॉट अफेक्ट अवर सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ऐसा बनाया जाता है कि हवा वगैरह उसे कहीं कुछ भी ना लगे, ताकि वो मिट्टी में दबाया जा सके। वंस लैंडफिल इज फुल ऑफ कवर देयर विद द सॉइल, 20 से 30 साल तक तो वहाँ पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो लैंड सॉफ्ट होगी। ठीक है, इसे कहते हैं लैंडफिलिंग। इसी तरह से नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को आपका डिस्पोज किया जाता है, रिड्यूसिंग गार्बेज। नेक्स्ट टर्म इज रिड्यूसिंग गार्बेज। इन आवर प्राइम ड्यूटी टू मेक आवर कंट्री गार्बेज फ्री, हेयर आर द सर्टेन स्टेप्स दैट एवरीवन कैन शुड टेक इन ऑर्डर टू मेक सिटी क्लीन। देखिए, हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को क्लीन रखें। स्टॉप थ्रोइंग अननेसेसरी थिंग्स, अननेसेसरी चीज़ों को फेंकना बंद करें। रीयूज द ओल्ड पेपर इन फन एक्टिविटीज़, जो ओल्ड पेपर उन्हें हम रीयूज करें डेकोरेशन एक्सेट्रा में। चेंज द रीफिल ऑफ द पेन इंस्टेड ऑफ द थ्रोइंग पेन। देखिए, हम पेन को थ्रो करने की बजाय उसकी रिफिल चेंज कर सकते हैं। रिसाइकिलिंग ऑफ पेपर, पेपर को रिसाइकिल कर सकते हैं। प्लास्टिक्स, नेक्स्ट क्या है बच्चों, प्लास्टिक, ये सबसे बड़ा डेंजर है एनवायरनमेंट के लिए, बट इसके बिना हमारी लाइफ भी पॉसिबल नहीं है। प्लास्टिक वेस्ट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द एनवायरनमेंट, इट कैन नॉट बी रिसाइकल। ये हमारी एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल है और इसे रिसाइकल नहीं कर सकते। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि हम प्लास्टिक के यूज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉसिबल टू बैन द यूज़ ऑफ प्लास्टिक्स, बट वी कैन मिनिमाइज इट्स यूज़। हम बैन तो नहीं कर सकते, बट इसका यूज़ को मिनिमाइज कर सकते हैं। देखिए कैसे, स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक बैग्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग पेपर बैग्स। प्लास्टिक बैग की जगह हम क्या उनसे पेपर यूज़ करें, पेपर बैग्स का यूज़ करें। डोंट थ्रो अननेसेसरी प्लास्टिक्स, थ्रो ओनली इफ द नीडेड, फॉर एग्जाम्पल द चेंज द पेन फ्रिक्वेंटली रेदर दैन चेंज द रिफिल, उसके रिफिल को चेंज करें, पेन को ना फेंकें। प्लास्टिक बैग्स इन द गार्बेज इटन बाय द एनिमल्स बर्ड्स दे किल देम। अब प्लास्टिक बैग्स पशुओं के पेट में वगैरह में चले जाएंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी। डोंट स्टोर द कुक्ड फूड इन द प्लास्टिक कंटेनर्स बिकॉज दे कॉन्टेमिनेट विद द प्लास्टिक रिल्यूज हार्मफुल गैस एंड दे मेंटेन काज ऑफ कैंसर। अब प्लास्टिक की चीज़ों में अगर खाना डालेंगे, लंबे टाइम तक खाना उसमें रहेगा तो उसमें घुलने लगेगा और कैंसर का कारण बनेगा। और लास्ट टर्म इज टूडेज रिड्यूस रिसाइकल एंड रीयूज, दिस इज इंपॉर्टेंट। हाउ टू बी टैकल द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इन ऑर्डर टू सेव द एनवायरनमेंट, 3 RS रूल इज एक्सट्रीमली यूज्ड। फर्स्ट इज रिड्यूस। बाई टर्म रिड्यूस वी मीन शुड रिड्यूस द अननेसेसरी यूजेज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल अननेसेसरी शार्पनिंग द पेंसिल बाई किड्स जस्ट फॉर फन। देखिए, हम क्या करते हैं उसे रिड्यूस करें, कम से कम, रिड्यूस का मतलब कम करना। अब फन के लिए पेंसिल को शार्प नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को वेस्ट ना करें। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द फ्रेश पेपर टू प्ले, किड्स कैन यूज टू बी ओल्ड न्यूज़ पेपर और ओल्ड पेपर टू मेक द प्लेन्स। तो हमें वेस्ट पेपरों का और इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट इज रीसाइकल। बाय द टर्म रीसाइकल वी मीन टू बी रीसाइकल एंड यूज़ द नेचुरल रिसोर्सेज इन डिफरेंट फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल मिनिमाइज द यूज़ ऑफ पॉली बैग रेदर देन यूजिंग द फ्रेश पॉली बैग एवरी टाइम, वी कैन यूज़ द पॉली बैग नंबर ऑफ टाइम्स। फिर इस पेपर को क्या कर सकते हैं, रीसाइकिल कर सकते हैं, बिकॉज पेपर अगेन मेक द पेपर। रीयूज,
बाय द टर्म मीन द रीयूज्ड रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन। इसमें देखिए हम बहुत सारी बोटल्स हैं, ग्लास बोटल्स हैं, पीकल बोटल्स हैं, इनका हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। वाटर बोटल्स हैं, जैसे हम कोक की बोटल्स का भी बार बार यूज़ करते हैं, तो ये हमारा होता है रीयूज़। सो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर कम्प्लीट होता है। और आज हमने इस लेसन से एक चीज़ सीखी है, वो क्या है कि गारबेज को इधर उधर थ्रो नहीं करना चाहिए, और बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को सेपरेटली थ्रो करना चाहिए। और हमारी लाइफ में हमें पूरी तरह से इसी तरह से चलना चाहिए, ताकि हम आगे बढ़कर इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़।